नमस्कार किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको चुकंदर की खेती कैसे करें ये पूरी जानकारी दी जाएगी। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो इस वीडियो में जो विधि एवं तरीका आपको बताई जा रही है वो काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद जो वैज्ञानिक द्वारा दी गई सुझाव है वो आपको बताया जाएगा। बस आपको इस वीडियो को बीच में छोड़ना नहीं है, पूरे अंत तक सभी जानकारी को समझना है सही विधि से, और वही विधि का इस्तेमाल आपको करना है। और वीडियो को लास्ट में और वीडियो के बीच में दो ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जाएगा जिससे आप चुकंदर को जल्द तैयार भी कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी आप ले पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं चुकंदर की खेती कैसे की जाती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल को उगाने के लिए जो 10 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसमें से पहला पॉइंट हमारा जो रहने वाला है चुकंदर की खेती करने के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरा उपयुक्त जलवायु, तीसरा उपयुक्त तापमान, चौथा चुकंदर की खेत की तैयारी कैसे करें, पांचवा उसके बाद हम बात करेंगे चुकंदर की उन्नत किस्में, उसके बाद हम बात करेंगे चुकंदर की खेती कर रहे हैं तो इसमें सिंचाई कितनी बार करें, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, उसके बाद बात करेंगे रोग नियंत्रण कैसे करें, उसके बाद बात करेंगे उत्पादन में वृद्धि कैसे लाएं। तो ये पूरी जानकारी, तो उपयुक्त मिट्टी की अगर बात की जाए किसान भाइयों, तो उपयुक्त मिट्टी आपको चुकंदर की खेती करने के लिए आप किसी भूमि में कर सकते हैं, लेकिन अच्छी उत्पादन लेने के लिए बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती करेंगे तो ज़्यादातर बढ़िया उत्पादन आपको मिल सकती है। चुकंदर की खेती में जलवायु की बात करें तो ठंडे प्रदेशों में चुकंदर की खेती उपयुक्त माना जाता है तथा सर्दियों का मौसम इसके पौधे के विकास के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। चुकंदर की फसल की अधिक बारिश की आवश्यकता नहीं होती है जिससे अधिक वर्षा इसकी पैदावार प्रभावित कर सकती है। किसान भी बात करें, चुकंदर के पौधे को अंकुरित होने के लिए सामान्य तापमान की जरूरत होती है तथा 20 डिग्री तापमान तक ये इसके विकास अच्छे से करते हैं, 20-25 डिग्री अगर तापमान है तो। चुकंदर की खेत की तैयारी की बात करें तो चुकंदर की फसल को करने से पहले उसके खेत को अच्छे से आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत को अच्छे से गहरी जुताई आपको 2 से 3 कल्टीवेटर से जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद आपको सड़ी हुई गोबर की खाद खेतों में डाल देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंचाई कर देना है जिससे गोबर की खाद और मिट्टी एक दूसरे को मिल जाएगी। और सिंचाई करने के बाद आपको एक जुताई करके मिट्टी को आपको क्या करना है, समतल कर लेना है पाटा लगाकर। जब खेत आपका समतल हो जाए आपका खेत हो गया पूरी तरीके से बिल्कुल तरीके से तैयार। अगर बात करें आपको चुकंदर के खेत में रासायनिक खाद का इस्तेमाल कितना करना है और कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, तो नाइट्रोजन 40 केजी, फास्फोरस 60 केजी और 80 केजी पोटाश की मात्रा आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आखिरी जुताई के वक्त छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, चुकंदर के उन्नत किस्म की बात करें तो HH102 की अगर उत्पादन की बात की जाए प्रति हेक्टेयर तो 250 क्विंटल की उत्पादन देती है। इस वैरायटी के पौधे को तैयार होने में 3 महीने का समय लग जाता है। यह चुकंदर की अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी है किसान भाइयों, जो कि काफ़ी सारे किसान भाई लगाते हैं। उसके बाद क्रिसमन ग्लोब किस्म, चुकंदर की यह जो वैरायटी है कम समय में अधिक पैदावार देने के लिए जानी जाती है। इसके फलों को तैयार होने में 70 से 75 दिन का समय लगता है। इस वैरायटी के पौधे को फलों का रंग बाहर और अंदर हल्का लाल होता है। यह प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 300 क्विंटल की पैदावार देती है। किसान भाइयों, चुकंदर में बात करें सिंचाई, तो चुकंदर के पौधे को अच्छे से अंकुरित होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है, इसलिए बीज रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर देनी चाहिए तथा बीज अंकुरण के बाद पानी की मात्रा को कम कर देना चाहिए। चुकंदर के पौधे को जल भराव की स्थिति से बचाना रखना है आपको। 10 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करते रहना है चुकंदर की खेती अगर आप कर रहे हैं तो। चुकंदर में खरपतवार नियंत्रण की बात की जाए तो प्राकृतिक विधि आपको खरपतवार नियंत्रण की अपनाना है। तो किसान भाई, ये रही चुकंदर की खेती की जानकारी। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए जानकारी के साथ। तब तक जय जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और किसान भाइयों के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।